हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूछे। फ्रेंड्स, भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती कि मनुष्य पई सकाळ उठिबार सर्वोत्तम समय होची ब्रह्म मुहूर्त। जेउ मे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त रे उठी थाए से तांकर जीवन रे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति करी थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठतिबा लोकंकु केबे भी दुख कष्टर सामना करिबाकु पड़ि नथाए। एही परि लोकंकु उपरे भगवान श्रीकृष्णंकर कृपा वर्षा होई थाए। मां लक्ष्मी एही परि लोकंकु पाखरे सर्वदा बास करिबाकु पसंद करिथांती। फ्रेंड्स, आमर शास्त्र रे रात्रि समय रे सोइबा ठारु आरंभ करी सकाळ उठिबा पर्यंत करे जेथिबा सबु कार्य विषय रे बड महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाइछि, जहाँ आजिकालीर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे भी लाभकारी होइथाए। जहाँ आमर प्राचीन ऋषि मुनि माने हजार वर्ष पूर्वे कहिथिले, ताहा विज्ञान आज आमको बताउछि। किंतु किछि मनुष्य प्राचीन कथा मानकु ध्यान देइ नथांती। शास्त्र अनुसारे सबुदिन राति रे सोइबा समय रे आम द्वारा किछि एमिति भूल होई जाय थाए, जहाँ द्वारा आमर जीवन रे विपद आसीबा आरंभ होई जाय थाए, एवं एहार प्रभाव आमर ग्रह उपरे भी पड़ी थाए। मनुष्य को सोइबा समय रे निज पाखरे किछि जिनिस बिल्कुल भी न रखिबा उचित, काहेकि ना एही जिनिसरु बाहरुथिबा नकारात्मक ऊर्जा आम जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकेइ थाए। वास्तु शास्त्र रे एहा कुहा जायछि कि एही जिनिस जदि केही निज पाखरे रखी करी सोई थाए तो तांकर जीवन रे आर्थिक संकट भी आसीबा को लागी थाए, ताहर परिवार रे क्लेश बढ़िबा को लागी थाए बा झगड़ा बढ़िबा रे लागी थाए, एवं घरे बीमारी रो वातावरण आसी थाए। एही कारण रो घर रो खर्च मध्य बढ़ी जाए। खास करी महिला मानको सोइबा समय रे निज पाखरे एही जिनिस न रखिबा उचित। तेबे आजर वीडियो रे आमे आपनको कहिबु जे सोइबा समय रे एमिति किछि जिनिस न रखिबा उचित। तेनु फ्रेंड्स, वीडियो टिकु शेष पर्यंत निश्चय देखन। फ्रेंड्स, आम चैनल तरफ गूगल प्ले स्टोर रे ओडिया बहु टिप्स ओ हेल्थ टिप्स ओडिया दुईटी एंड्रॉइड आप लॉन्च करा जाय छी, जहां आपनको पई बहुत उपयोगी हेबो। ओडिया बहु टिप्स आपरे पूजा पाठ वास्तुशास्त्र घर संसार स्त्री और पुरुष कौन करवा उचित और कौन करवा उचित नुहे एमती अनेक विषय रही जापारे। एवं हेल्थ टिप्स आपरे अनेक प्रकार रोग विषय लिखाऊँगी, जमीक थंडा ज्वर खासुठार नहीं कैंसर पर्यटन सबू रोग केमी होता है, यार लक्षण कौन होता है, आरु केमी आप सुरक्षित रहीपर यह आप्रे जापर। डिस्क्रिप्शन दुईट आप लिंक रखा जाए, आप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र अनुसार मनुष्य को सोइबा समय रे निजर पाद दक्षिण अथवा पूर्व दिग को न रखिबा उचित, अर्थात आपण को आपणकर पाद उत्तर एवं पश्चिम दिगरे रखिबा उचित। एही परि सोइबा द्वारा मनुष्यर शरीर रे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करिथाय एवं से जीवन रे सर्वदा उन्नति करिथाय। किछि लोक एही भूल करिथांति कि सोइबा समय रे किछि लोक तांका मुंड पाखरे पानी रखिके सोइथांति। वास्तुशास्त्र अशुभ माना जाए। सोइबा समय निज मुंड पाखरे जल रखा द्वारा व्यक्तिर चंद्रमा प्रभावित होता है, यार प्रभाव व्यक्तिर मानसिक स्वास्थ्य उपरे भी पड़ी थाए। सोइबा समय ध्यान देवे कि आपण आखपाखे कि खट तले जोता चपल आदि न रखु, यह दुर्भाग्य को आमंत्रण करिथाए। चपल व जोता गोड़ में पिंधिले यह द्वारा शरीर समस्त नकारात्मक ऊर्जा एही बाट दे बाहर को जाए। जदि आपण एहाकु पाखरे रखिकर शोबे तो यार प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ी पारे। जो स्थान रे सोई थांती तार सामना रे आईना केबे भी रखंतु नाही। सोबा समय रे आईना रे निजर छवि न देखिबा उचित, एवं सकाळ उठिला परे परे आईना रे छवि न देखिबा उचित। इति द्वारा व्यक्तिर जीवन रे डर एवं भ्रम जन्म होई थाए एवं खराब स्वप्न भी आसी थाए। ताहा सहित एहार नकारात्मक प्रभाव कारण रु जीवन अस्तव्यस्त होई पड़े। वास्तुशास्त्र अनुसार सोइबा समय रे निज पाखरे केउ भी प्रकार रो सुगंधित तेल रखंतु ना। नकारात्मक शक्ति को आकर्षण करिबा जिनिस होई थाए तेल, एहाको आपण पाखरे रखिले एहार प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ी पारे। वास्तु अनुसार निज मुंड पाखरे पुस्तक आदि रखिबा अनुचित, खास करी विद्यार्थी मानको एही कथार ध्यान रखिबा आवश्यक अटे। मुंड पाखरे पुस्तक रखिबा द्वारा व्यक्तिर वृद्ध ग्रह कमजोर होइथाय। बही को पढ़ीबा परे ताकु तार उचित जगारे रखि दियो। वास्तु अनुसार मनुष्य को निजर धन को मुंड पाखरे रखि करी केबे भी सोइबा उचित नुहे, एहा द्वारा अचानक खर्च बढ़ी चलिथाय एवं धनर हानि घटिथाय। धन को सर्वदा उचित स्थान रे रखिबा उचित। धन को मां लक्ष्मी को द्वारा सम्मान करिबा दरकार, ताहा द्वारा धन वृद्धि होइथाय। केबे भी आपनको बेडरूम रो क्यों भी कोण रे झाड़ू ठिया करी रखंतु नाही, एथि द्वारा भी धन हानि घटिथाय। तेबे फ्रेंड्स, यहा तिला सही जिनिस गुड़ी को जहा को आपण माने सोइबा समय रे निजो पाखरे रखिसबा अनुचित अटे। यदि आपनको एही वीडियो टी भले लागिथाय ताहाले कमेंट रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु।